की स्तुति हो। यीशु मसीह में आपका मैं स्वागत करता हूं और प्रभु की स्तुति करता हूं। यीशु पवित्र है, यीशु महान है और जल्दी आने वाला है। उस राजाओं के राजा की, महाराजा की प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज समय के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे परिस्थिति को यीशु के हाथ में समर्पण करते हैं। वचन समझने का मन दे, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कर, आपके हाथ में समर्पण करते हैं। मैं खुद को आपके हाथ में समर्पण करता हूं। प्रभु, सुनने वाले हर एक के मन को खोल दे पिताजी, और परमेश्वर तेरा वचन समझ कर प्रभु ग्रहण कर वैसे चलने के लिए और आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आप तैयार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार इस विषय पर यीशु के आगमन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और वचन से सुन रहे हैं प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, उन्होंने अपने वायदा किया है, जो उस पर विश्वास करते हैं उसको लेके जाएंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जो चलते उसको लेके जाएंगे। मेरे प्रियो, उसने ये भी कहा कि किस प्रकार से मुझे तैयारी के लोग चाहिए, आज कलीसिया के लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए वो भी बताया है। मत्ती उसका 25 अध्याय में 10 कुंवारी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आज लोग एक कलीसिया में या कलीसिया के अंदर विश्वासी को तैयार रहना चाहिए प्रभु के आगमन के लिए, वो बातें को आपने सुन चुके हैं। मेरे प्रियो, आज भी यही विषय हम लेके बात करेंगे। बहुत सारे विश्वासी को मालूम है कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है। कोई आज कोई कहता है कि मैं यीशु को बहुत दिन से जानता हूं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। कोई कहता है हाँ, यीशु मसीह आने वाले हैं। सब जन कहते हैं, हर कोई व्यक्ति यीशु पे विश्वास करने वाला, चाहे पुराना हो या नया व्यक्ति हो, वो हर कोई कहता है कि हाँ, यीशु आने वाले हैं, फिर से आने वाले हैं। ये सुन सुनकर जितना तैयार होना चाहिए उतनी आज तैयारी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आज 10 साल विश्वास करने वाला, 5 साल का विश्वास करने वाला या अभी विश्वास करने वाला, उनके अंदर जो जिज्ञासा, जो प्रेम, जो बात जोने की जो इच्छा होना चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, वो उस प्रकार नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं। हाँ, जरूर आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन क्या जिस प्रकार हमें सुन चुके हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, तो उस प्रकार हम तैयार हैं? जैसा यीशु मसीह तैयार करने के लिए कहता है, उस प्रकार से हम तैयार हैं आज? मैं प्रियो, अगर आप यीशु के तैयारी के बारे में आपको नहीं जानेंगे, नहीं मालूम होगा, तो आप यीशु के आगमन के लिए या यीशु के आगमन के लिए आप रुकावट हो जाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आज बहुत जन को मालूम है, लेकिन किस प्रकार आएंगे, कैसे आएंगे और कैसा रहना चाहिए वो नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह ने एक चीज बताया है कि जब कभी यीशु मसीह ने कहा मैं आने से पहले, कि वो समय नहीं मुझे मालूम। आइए उस वचन से हम बात करते हैं। मत्ती उसका 36 वचन है। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु कहता है कि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, वो परिस्थिति के विषय में कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा, यानी मैं कब खुद आऊंगा। नहीं स्वर्गदूत भी जानते हैं और ना पुत्र, केवल पिता जानता है। वो कहते केवल पिता जानता, लेकिन आपको भरमाएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आकर आपको कहेंगे कि अभी जल्दी यीशु मसीह आने वाले। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आपको नहीं मालूम, यहां तक कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन यीशु मसीह ने एक हिंट दिया है, जैसे कहे 37 वचन में लिखा है कि जैसे नूह के दिन थे, या नूह के दिन थे, क्या थे नूह के दिन? मेरे प्रियो, इसके लिए उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज कलीसिया से कहता हूं कि उस अध्याय को पढ़िए, उत्पत्ति की 6वां अध्याय में आप पढ़िए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यानी स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर ने उस जमाने के लोगों को परमेश्वर ने किस प्रकार से मार डाला।
मैं प्रियो क्यों ना इस वचन को पढ़कर आपके बाद में समझाना चाहता हूं कि वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उनको सबको बहा न लिया तब तक उनमें कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे प्रियो ये हमें यीशु मसीह ने याद करने के लिए कहा कि नूह के दिन को तुम याद करो। मेरे प्रियो यीशु मसीह कहता है मुझे नहीं मालूम उस समय कब होगा, केवल पिता को मालूम है। आज कलीसिया को कहता है कि मुझे नहीं मालूम, हर विश्वासी को कहता है मुझे नहीं मालूम, हर पास्टर से कहता है मुझे नहीं मालूम, हर एक सेवक से भविष्यवक्ता से कहता है, हर कोई प्रचारक से कहता है परमेश्वर कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे नूह के दिन को तुमको याद दिलाता होता। नूह के समय क्या हुआ था, नूह के समय कौन सी परिस्थिति आई थी। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि वो परिस्थिति आज होगी, वो स्थिति होगी, वो कंडीशन होगी। उत्पत्ति का 6वां अध्याय आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा, लेकिन नूह के दिन में ऐसा क्या था, ऐसे क्यों परमेश्वर ने उसे कहा कि वहां ऐसा कौन सी बात थी। मेरे प्रियो नूह के समय को विवेक का काल कहा जाता है, जब नूह प्रभु का भय मानते थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे, उस समय अनुग्रह का समय नहीं था, विवेक काल का युग था, यानी उनकी आंखें खुल गई थी, पाप के कारण सबकी आंखें खुल गई थी, भलाई और बुराई को जानते थे, उनकी आंखें खुल चुकी थी, बुराई करना है भलाई करना है ये सब उनकी आंखें चोर्स को मर्जी से आए वो ऐसे कर सकते थे। और वो समय जो था नूह के समय थे, उस नूह के समय हम समझ सकते हैं कि वो समय विवेक काल का था, यानी विवेक से चलते थे, बुद्धि से चलते थे, जो कुछ परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करते थे, जो कुछ बुद्धि से समझ में आता था, जो कुछ ज्ञान परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर से बुद्धि मिलती थी और परमेश्वर के भय से चलते थे, उनकी वो ही विवेक से उनको चलना होता था, और वो समय था उनके लिए। आज अनुग्रह का समय, लेकिन नूह की आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि वहां बुराई जानना भलाई जानना विवेक से सब समझ लेते थे, यानी जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर से इसलिए दोहराता था कि आपके दिमाग में समझ में आए कि जो कुछ उनको विवेक पे अच्छा लगता था, जो कुछ उनकी बुद्धि को अच्छा लगता था, और परमेश्वर से जो कुछ वो प्राप्त करते थे उसके अनुसार करते थे, और उसके अनुसार चलते हुए उनका बच्चा होता था। और नूह के समय हम ये देखते हैं कि नूह के लोगों को नूह के समय हम ये देखते हैं कि नूह परमेश्वर से भय मानता था, और भय से जो कुछ उसकी बुद्धि जो अच्छी जो चालना देती थी, अच्छे दिमाग उसको अच्छा चालना देता था, उसकी चेतना अच्छी देती थी बुद्धि को, उस प्रकार से वो चलता था। और इसलिए उस काल में बुद्धि से जो चलते थे, जो ज्ञान से चलते थे, जो दिमाग से चलते थे, वो बचाए जाते थे। मेरे प्रिय उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। नूह के समय को काल को याद करते हैं कि उस समय आज की स्थिति को हम देखते हैं कि बाइबल है, आज की स्थिति को देखते हैं चर्च है, आज की स्थिति देखते हैं पास्टर है, जगह जगह पे प्रभु की आराधना होती है, जगह जगह पे प्रार्थना होती है, हमें मार्गदर्शन करने वाले अगुवे हैं, विश्वासी हैं, हर चीज को अवेलेबल पाया जाता है। लेकिन नूह के समय किस प्रकार से व्यवस्था नहीं थी, तब व्यवस्था भी नहीं आई थी, किसी भी प्रकार की कोई बाइबल या कुछ प्रकार की नहीं थी, लेकिन वो विवेक से चलते थे, और विवेक के अनुसार जो कुछ वो ज्ञान प्राप्त करते थे उनके अनुसार चलते थे, और जो कुछ विवेक से चलते थे, जो कुछ ज्ञान से चलते थे, वो ही विवेक से लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। पहले जो यीशु के नूह के समय वो काल था परमेश्वर को प्रसन्न करने का कि विवेक से चलना, बुद्धि से चलना। मेरे प्रियो इस प्रकार से लोग अगर चलते थे तो उनका विवेक से उनका बचाव हो जाता था, उनके वही उनके लिए आधार था। लेकिन क्यों हमें यीशु मसीह याद दिलाता है कि नूह के लोगों को तो उस समय विवेक से चलकर बुद्धि से चलकर बचाने के लिए उनके लिए उपाय किया था, अच्छे और भूले के उनकी आंखें खुल चुकी थी, और बुद्धि से अगर कोई अगर चलेगा तो उनके लिए बचा था। लेकिन आज
आज हमारे लिए अनुग्रह का समय है, मेरे प्रियो अनुग्रह का समय और विवेकाल का समय वो अभी खत्म हो चुका है, अभी अनुग्रह का समय, और ये अनुग्रह का समय भी अभी खत्म हो चुका है मेरे प्रियो। अभी हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएड में है, कुछ समय के लिए है अभी हम, क्योंकि परमेश्वर धीरज दे रहा है और धीरज के साथ बात जो रहा है, ये अनुग्रह का भी समय जा चुका है, जा रहा है, अभी खत्म हो रहा है मेरे प्रियो। यह कुछ समय हमें लिए प्रभु ने इस दुनिया के लिए देर कर रहा है। तो मेरे प्रियो उनके समय इस प्रकार से लोग चलते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चला, वो संसार के सुख विलाप की सुविधाओं में लगे। जय प्रभु परमेश्वर प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि देखो सुबह के दिन को याद करो, उन लोगों को फ्री बुद्धि दिया था, मन से चलने के लिए सब कुछ दिया था, लेकिन नहीं चले और वो संसार के सुख आनंद को उठाने के पीछे पड़े। उस दिन को याद करो और आज के दिन को याद करो कि आज भी संसार के लोग यही काम कर रहे, आज यीशु पे विश्वास करने वाले भी यही काम कर रहे कि संसार के में कैसे मैं सक्सेस हो, मैं कैसे आगे बढ़ू। आज हर एक व्यक्ति, हर देश, हर राष्ट्र, हर गांव इसकी तरह की कि मेरा देश मेरा, मैं ये नहीं कहता हूं कि बढ़ोतरी ना हो, लेकिन आज हर कोई व्यक्ति सक्सेस के पीछे है। अपना देश चाहता हम सक्सेस हो जाए, हर कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता कि मेरी बढ़ोतरी हो, मेरे प्रिय सक्सेस के पीछे आज तरक्की के पीछे पड़े, संसारिक तरीके के पीछे है, बढ़ोतरी के पीछे है। मेरे प्रियो नूह के दिन को याद करो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस दिन भी ऐसा हुआ था कि लोग अपने ही काम धंधे के बिजी रहते थे, अपने ही बिजनेस के काम, अपने ही रीति से काम करते थे, और कैसे बढ़ोतरी करना है, कैसे मैं आगे बढ़ते रहूं, इससे मैं कैसे आगे बढ़ूं, उससे मैं कैसे आगे बढ़ूं, इस प्रकार की सोच में आज दुनिया है, जिस प्रकार नूह के समय था। इसलिए प्रभु ने कहा उस दिन को याद करो और आज के दिन को याद करो। मेरे प्रियो नूह के समय जैसे कि शादी, वहां पे एक शब्द लिखा है कि वो वहां पे शादी हो जाती थी, मेरे प्रियो जो चाहे जिसे चाहे वो शादी करते थे, जिसे चाहे उसे शादी करते थे अपने, लेकिन परमेश्वर हमें व्यवस्था विवरण उसका व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, इसलिए प्रभु परमेश्वर ने मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, वो इस प्रकार से आज्ञा दी कि देखो तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हें चुना है और तुमको अलग किया है और तुम्हारे संतानों को और तुमको सबको अलग किया है। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से उनको समझा रहे परमेश्वर का वचन, आज हमें भी ये बात समझाएगा। 7 अध्याय और उसका 3रा वचन में लिखा है कि और ना उसे ब्याह शादी ना करना और न तो अपनी बेटी उनकी बेटियों का ब्याह न देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटी के लिए ब्याह लेना। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको समझा रहा है कि तुम मेरे लोग हो। इसराइल लोगों से परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लोग हो, तुम उस हिस्ती और एमोरी कनानी परजी इस प्रकार के जातियों को जाति में जाकर उनकी जातियों के लोगों से तुम शादी मत करो, क्योंकि तुम मेरे लोग हो, तुम्हारा वंश अलग होना चाहिए, तुम मेरे संतान हो। और यही बात हमें परमेश्वर पौलुस के द्वारा भी 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है कि तुम उससे निकलो, बुरी संगति मत करो। मेरे प्रियो नूह के दिन को इसलिए याद करो, प्रभु कहता है कि नूह के दिन जिसे चाहे उसे शादी करते थे, प्रभु के लोग अलग नहीं रहते थे। और कुरिन्थ की किताब में भी परमेश्वर पौलुस हमें याद दिलाता है कि मनुष्य कलीसिया में मिलावट नहीं होना चाहिए, आज शादी मिलावट हो रही है। मेरे प्रियो नूह के दिन को याद करें, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह नूह के दिन को याद करें, क्योंकि आज क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, चमत्कार करते हैं, सब कुछ का हो जाता है, उनके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे हो जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह अपने मर्जी से करेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा से नहीं करेंगे, अपने मर्जी से वो जहां से आए वहां से हम करने का वो टान लेंगे। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा छुटकारा दिया, तुम्हें छुड़ाया, मैंने मेरी जान को दे दी, मैं कुर्बान हुआ तुम्हारे लिए, लहू बहा दिया तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी संतान अभी पवित्र बनकर जिए,
लेकिन ये मिलावट करते हैं। मेरे प्रियो, नूह के दिन को याद करें और आज के कलीसिया को याद करें, आज के लोगों को याद करें। क्या आज भी कलीसिया में ऐसा हो रहा है कि छुटकारा पाने के बाद अपनी मर्जी से, अपनी ही मर्जी से जाके लोग शादी विवाह करते हैं? मेरे प्रियो, क्या वो दिन और आज का दिन क्या सही नहीं है? नूह के दिन और आज का दिन सही नहीं हो रहा है? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम, ना स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम, ना मनुष्य के पुत्र को भी नहीं मालूम, लेकिन पिता को मालूम है। लेकिन याद रखो नूह के दिन को क्या होने वाला है। और नूह के दिन जिस प्रकार से जो घटना हो चुकी थी और हो रही थी, और उस समय मैंने तय कर लिया है कि उस देश को नाश करूं और नूह के समय के जितने लोग थे उन सबको नाश करूं। इसलिए परमेश्वर ने कहा नूह को, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाई कि तुम जहाज बनाओ और उस जहाज में खाली तुम्हारा परिवार बचेगा और उसमें केवल 8 लोग बचे। मेरे प्रियो, केवल 8 लोग बचे। परमेश्वर ने योजना बनाई कि तुम उस जहाज बनाओ और उस जहाज में तुम प्रवेश करो। और नूह के हम सभी देखते हैं कि नूह प्रचार करते थे, लेकिन उस प्रचार का मजाक उड़ाया। लोगों ने उपवास का प्रचार किया, लेकिन मजाक उड़ाया। नूह के प्रचार पे विश्वास नहीं किए। और आज भी तो यही परिस्थिति आ रही है। कितनी बार पास्टर कहते हैं कि प्रभु का वचन पढ़े, बाइबल पढ़े, लोग विश्वास नहीं कर रहे, लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, लोग नहीं जाग, लोग प्रार्थना के लिए जागृति नहीं है। जिस प्रकार नूह कहते थे उपवास करो, आज की परिस्थिति की देखिए, इतने आलसी विश्वास हो चुके हैं। मेरे प्रियो, थट्टा उड़ाया नूह के प्रचार को कि वो कहते थे कि 40 दिन बारिश आने वाली, 40 दिन 40 रात, लेकिन किसने विश्वास नहीं किया। और बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास नहीं किया, शादी विवाह करते थे, खाते पीते थे। और आज भी कंडीशन यही है, आज भी कंडीशन यही है कि लोग खाते पीते सब कुछ करेंगे, तब बाद में चर्च पे आएंगे, यानी उनका सब कुछ ठीक होगा तब वो बाद में आएंगे चर्च में। नहीं प्रियो, आज लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं। प्रभु ने कहा आज नूह के दिन को याद करो और आज की परिस्थिति को याद करो। मेरे आने से पहले इस प्रकार की कंडीशन, परिस्थिति दुनिया की होगी, समाज की होगी, परिवार की होगी, घर की होगी, और कलीसिया के अंदर भी इस प्रकार से मिलाट में शादी होगी। मेरे प्रियो, जब यीशु को ग्रहण कर लिए हैं तो आपके बच्चे पवित्र हो चुके हैं, आपके संतान परमेश्वर चाहता है कि पवित्र रीति से वो जीवन जिए। पूरी रीति से परमेश्वर तुमको स्वतंत्र करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके संतान को, परमेश्वर के संतान को गिनने के लिए प्रभु ने अपना लहू बहा दिया ताकि उसके संतान में आप सहभागिता हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खाते पीते रहे, जब तक, तब तक खाते रहे और पीते रहे जब तक बारिश नहीं आया, जब तक वो बहा नहीं लगे तब तक खाते पीते रहे। आज भी ऐसी परिस्थिति है मेरे प्रियो, लोग खाते पीते हैं और हम कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले, कलीसिया को कहते हैं कि आने वाले हैं, वो पश्चाताप के बारे में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोई पश्चाताप नहीं किया। मेरे प्रियो, आज हम आपको एक बात आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो नूह के समय शारीरिक सुख विलाप के लिए बेचे थे और ये और संसार की सारी इच्छाओं को पूरी करने के बीजी थे, इस प्रकार से उनका जीवन था मेरे प्रियो। और परमेश्वर के प्रभु के परमेश्वर के वाणी को उसने मचाक उड़ा दी। आज भी विश्वास नहीं करे, आज भी कई लोगों को कहते कि बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, संगति में रहें, चर्च में आइए, लेकिन संसार की सारी जरूरतों के पीछा करने के लिए विश्वास ही लोग आज है। मेरे प्रियो, पश्चाताप किसके लिए? मेरे प्रियो, नूह के समय वो प्रचार कर रहा था। मैं आज आपके लिए भी कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, आज भी प्रचार हो रहा है कि यीशु पे विश्वास करें। और आज मैं प्रचार करना चाहता हूं कि यीशु पे विश्वास करें, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है तुम्हारे लिए, हम सभी के लिए उसने जान दे दिया, अपने पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उसने कुर्बान हुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इस प्रकार से यानी यीशु को जाने कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों हमारे लिए मारा गया, पूरे संसार के पापों के लिए वो क्यों आने वाला है, जो उस पे विश्वास करता है उसको लेके जाने वाला है। मैं पूरी वो स्वर्ग नर्क वो पूरी डिटेल जानकारी देता है। वो यीशु मसीह कहता है कि मैं स्वर्ग से आया और मैं पृथ्वी को जानता हूं, स्वर्ग जानता हूं,
हर चीज प्रभु यीशु मसीह कहता मैं सब कुछ जानता हूं, मैं प्रियो मैं कौन हूं। आखिर उसने अपना मृत्यु होने के बाद उसने लिखा दिया, जिंदा होने के बाद लिखा दिया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। मैं प्रियो उस पर विश्वास करें। आज मैं आपके लिए सभी के लिए मैं जो भी वचन सुनता हूं उनके कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, वही मुर्दों में से जी उठा है और वही आप सभी को बचा सकता है, आपके परिवार को। आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने क्या किया, योजना बनाया, जिस प्रकार नूह को बचाने के लिए जहाज बनाने के लिए उसे कहा, आज हमें कहता है कि परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपना पुत्र भेजा और अपना पुत्र भेजकर प्रभु यीशु पे विश्वास करने के लिए ये योजना बनाई मेरे प्रियो। और जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो बचेगा मेरे प्रियो। अब हम बुद्धि से नहीं बचेंगे, अब हम ज्ञान से नहीं बचेंगे, हम अपनी ज्ञान से बुद्धि से नहीं बचेंगे, क्योंकि वो समय जा चुका, वो काल खत्म हो चुका, वो समय खत्म हो चुका है मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह के द्वारा ही मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाने के लिए हमें अनुग्रह के सिवा और मार्ग नहीं है। मैं कहूंगा अनुग्रह के सिवा कोई और दूसरा मार्ग नहीं है, और वो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा है। अब बुद्धि से नहीं बचेंगे, अब अनुग्रह की जरूरत है, और अनुग्रह यीशु मसीह से मिलेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही तुम्हारे लिए सभी के लिए जान दे दिया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा आप बच सकते हो और वही सच्चा मार्ग है मेरे प्रियो, विश्वास करें। लेकिन नूह ने यह बताया था कि बारिश आने वाले 40 दिन लोगों ने नहीं विश्वास किया, जब तक वो डूबे नहीं, जब तक वो मरने के लिए तैयार नहीं हुए तब तक। और आज भी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, इसलिए नूह के समय को याद करो। प्रभु कहता है कि वो याद कीजिए कि आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। कई अलग अलग लोगों ने सोच यीशु के प्रति अपने दिमाग को लगा दिया है। मैं प्रियो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु जिंदा और जीवित परमेश्वर है। अगर आपको जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़िए, बाइबल से सब आपको जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा बच्चा था उस बात के लिए, इसमें मैं स्पिरिचुअल कलीसिया के लिए समझाना चाहता हूं। मैं प्रियो यीशु मसीह आने वाले हैं, मैं प्रियो यही बात नूह ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बारिश आने वाली है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, केवल घर के लोगों ने विश्वास किया, और घर के लोगों ने जो विश्वास किया वो बच गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह चोर के समान कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं मेरे प्रियो। चोर का मतलब क्या हो गया, चोर के समान क्यों आएंगे, उसका कारण आपको बताना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे ये बात हमें चाहते कि कलीसिया को मैं लेके जाऊंगा जरूर, लेकिन कलीसिया के लोगों ने कुछ कलीसिया के लोग पश्चाताप करना चाहिए। अगर किसी मिलाहट में है, किसी पाप में जीवन जी रहे हैं, तो कलीसिया के लोगों से प्रभु कहता है तुम पश्चाताप करे। हर एक विश्वासी कहता है तुम पश्चाताप करे, तुमने मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, तुम्हारा जीवन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, तुम्हारा लाइफ मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं है, तुम अपनी मर्जी से चलते हो। प्रभु कहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हो। मैं प्रियो आज कलीसिया को कहता हूं तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलो, तुम उसकी इच्छा के अनुसार चलो। अगर नहीं चल रहे तो तुम पश्चाताप करें। और संसार के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यीशु पे विश्वास करें, अपने पापों को मन फिराए। इसलिए बाइबल में लिखा है, लूका उसका 13:3 वचन लिखा है, यदि व्यक्ति ने मन नहीं फिरा है तो ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। मैं प्रियो संसार के लोग भी अगर यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे तो नाश हो जाएगा। और प्रभु के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, यदि तुमने यीशु को ग्रहण करने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले तो यही रह जाएंगे और वो लोग उठाए नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं तो उसकी आज्ञा और उसकी आज्ञा का माने सिर्फ यही काम करता है। और अपना जीवन पवित्र जीने के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए, जो हो गया वो हो गया, आप फिर से पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आइए। मेरे प्रियो महा क्यों यीशु मसीह ने चोर के समान आएंगे, मेरे प्रियो जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर किसी गांव में या किसी घर पर अगर एक खबर लग चुकी है कि आज रात को चोर आने वाले हैं, तो घर के लोग या उस गांव के लोग पूरी रात दिन जागते रहेंगे, किसी को नींद नहीं आएगी और कोई नहीं सोएगी, बच्चे से लेकर सब तक कि चोर कब आएगा, किस कभी भी आएगा, क्योंकि 24 घंटा यानी रात में जितने घंटा मिलेगा वो नहीं सोएंगे, मैं प्रियो जागते रहेंगे और सबकी नींद हराम हो जाएगी। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने कहा कि कलीसिया के लोगों को जागते रहो, क्योंकि वो दिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन यीशु ने कहा कि
कि नूह के दिन को याद करो, किस प्रकार से कलीसिया में और संसार में हो रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों नूह के दिन को हमें याद करने के लिए कहता है? उसका एक ही कारण है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह चोर के समान आने वाले हैं। और आप जिस परिस्थिति में हो, जिस दुनिया में हो, उस परिस्थिति को देखिए कि संसार क्या हो रहा है, किस प्रकार से पाप रहा है, किस प्रकार से व्यभिचार रहा है, किस प्रकार से आज लोग क्या काम कर रहे हैं और लोग जीवन कैसा, किस कहां लोग जा रहे हैं, ज्यादा सक्सेस, मैं कैसे सक्सेस बनूं, मैं इससे कैसे आगे जाऊं, मैं इससे क्या करूं, वो इस प्रकार से आज धुन में है मेरे प्रियो। और कलीसिया को कहता है कि देख, उस नूह के दिन को याद कर कि तुम उसके समान ना बने, तुम उनके समान ना बने, और ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह का आगमन हो जाए तो तुमको छोड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु ने और इस दिन को क्यों कहा, नूह के दिन को याद करने, क्योंकि कलीसिया को महासंकट में नहीं डालना चाहता, महासंकट में नहीं डालना चाहता, महादुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे प्रियो, प्रभु उस नूह के दिन को याद इसलिए करने के लिए कहता है कि वो आठ ही लोग बचे। मेरे प्रियो, सारे पूरी पूरी दुनिया के लोगों को उसने मार दिया, संसार के हर एक लोगों को उसने मार दिया, केवल आठ ही लोग बचे। और यीशु मसीह यही कहना चाहता है कि यदि तुमने विश्वास कर लिया है तो पूरी इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि महासंकट में किसी की परवाह नहीं होगी। मेरे प्रियो, उस महासंकट में, महाक्लेश में किसी को परवाह नहीं और किसी के ऊपर दया नहीं की जाएगी। इसलिए प्रभु जी की इच्छा नहीं है कि महासंकट में कलीसिया रहे, महासंकट में तकलीफ में पड़ी रहे, और प्रभु नहीं रखने देगा। मैं प्रियो, कुछ लोगों को उठा ले जाएंगे मैं प्रियो, लेकिन प्रभु जी चाहता है कि हर एक लोग उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। इसलिए महासंकट के पहले प्रभु चाहता है कि कलीसिया महासंकट से पहले प्रभु के साथ बादलों पर आने के समय यानी स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा यह है कि महाक्लेश में मेरे लोग ना रहे, उस 7 साल की पीड़ा में ना रहे। मेरे प्रियो, यही यीशु ने नूह के दिन को याद करने के लिए कहा कि तुम उस दिन को याद करें कि आप के दिन कैसे हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया को फिर से कहता हूं कि मिलाट में जीवन ना जिए, अपवित्र में जीवन ना जिए, अभी तो पश्चाताप कर ले, अपनी जागृति लाइए और ज्यादा ज्यादा प्रभु के बारे में सोचे, अब तैयार करें अपने जीवन को। अगर किसी गलती में, अगर किसी पाप में पड़े हैं तो आज पश्चाताप करने के लिए मौका है। मेरे प्रियो, आज पश्चाताप करने के लिए मौका है, यही समय दिया है, क्योंकि उस दिन ये, आज फिर से कहना चाहता हूं आप लोगों के लिए, अनुग्रह का समय खत्म हो चुका है, अब कुछ समय खाली बाकी है यीशु मसीह आने के लिए। मेरे प्रियो, कुछ समय बाकी है, इसलिए यीशु ने कहा कि नूह के दिन को याद करो, नूह के दिन को याद करो, वो खाते पीते और घर द्वार बनाने में, शादी ब्याह करने में मौज मजा करते थे, यहां उनका ध्यान रहता था। कलीसिया के लोगों को प्रभु कहता है कि तुम वो लोग नहीं हो, तुम मेरे लोग हो, तुम्हारे संतान मेरे लोग है, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारे लिए जान दी। मेरे प्रियो, उस नूह के आज भी आपको कहना चाहता हूं कि हाँ, हाँ, आज हम इस धरती पर है, आज जब तक है प्रभु रखे तब तक है, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु के आगमन तक तैयार होना है। आज आप लोग कहाँ है, आपका ध्यान क्या है, आपकी सोच क्या है, आप सोचिए। मैं प्रियो फिर से कहता हूं कि नूह के दिन को याद करें कि किस कैसा वो दिन था। मैं प्रियो, पश्चाताप करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के इस समय को आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि नूह के दिन को हमें याद दिला दिया कि किस प्रकार के वो दिन होंगे और कैसे लोग खाते पीते थे और उन्होंने विश्वास नहीं किया, उस नूह का मजाक उड़ाया। पिता, आज भी ऐसी परिस्थिति है कि लोग यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे और मजाक उड़ा रहे, प्रभु यीशु मसीह आने वाले के उस प्रकार तैयार नहीं हो रहे। पिता, उनकी आंखें खोल दे, उनके मन की आंखें खोल दे, और हृदय से प्रभु यीशु को समझ ले और यीशु को अपना जीवन दे दे, और जिन्होंने जीवन दे चुके हैं अगर किसी पाप में पड़े हैं तो प्रभु पश्चाताप का हृदय दे और फिर से प्रभु के आगमन के लिए ज्योति के समान, प्रकाश के समान प्रभु तैयार होने पाए। पिता, प्रार्थना सुना, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हमें नूह के दिन को याद दिला दिए। प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु जी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।
प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।